तो दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे और आलू से हेल्दी स्नैक्स रेसिपी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे दोनों हाथों से क्रश करके डालेंगे, और फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच मैं ऑयल डाल दे रही हूँ मोयन के लिए। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो रेडी करेंगे। इस आटे को गूंथने के लिए ध्यान रहे कि पानी आप ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, क्योंकि इसका हमें हार्ड डो लगाना है। डो सॉफ्ट हो जाने से क्या होगा कि जो नाश्ता है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अब ये आटा मैंने लगा लिया है हार्ड, और ऊपर से मैं हल्का सा ऑयल लगा दे रही हूँ। फिर ऑयल लगाकर इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, और तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम पहले मैश कर ले रहे हैं, और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और अब यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला हुआ है, फिर 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो आलू है उसमें कोई भी गांठे ना रहे, आलू हमारा अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो बेलने में दिक्कत आएगी। और अब इस डो को हम एक बार फिर से थोड़ा सा मसल ले रहे हैं, और फिर मसल कर इसे हम रोलिंग बोर्ड पर ले लेते हैं, और अब इसे रोल करके हम 2 बराबर पार्ट में इसे कर लेते हैं, और फिर दोनों को हम लोइयां बनाकर इसे थोड़ा थोड़ा पलोथन लगा के पतली रोटी हम बेल लेते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, और इसकी हमें पतली और बड़ी रोटी बनानी है। यहाँ पर मैं खूब बड़ी सी रोटी बना ले रही हूँ एक, और अब इसे साइड में कर देती हूँ। फिर जो दूसरी लोई है इसकी भी हम इसी तरीके से पतली और बड़ी रोटी हम बेल लेते हैं, और अब ये जो आलू की फिलिंग है इसे हम इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और फिर इसे हम इवेनली फैला देते हैं। आलू का जो ये मिक्सचर है इसे बहुत मोटा नहीं फैलाना है, जितना आसानी से आपसे फैल सके पतला उतना ही इसे हम फैला देते हैं। और जो दूसरी रोटी मैंने इसके बेल कर रखी थी इसके ऊपर से इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। इसको अच्छे से हम इस तरीके से चिपका कर हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे, फिर बेलन से भी हल्का सा बेल देंगे। बेलन बहुत हल्के हाथ से लगाना है हमें, इसको रोटी को बहुत बड़ा नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करना है। और अब क्या करेंगे, एक चाकू की हेल्प से लगभग 1/4 या फिर 1 इंच की दूरी पर इसमें हम इस तरीके से कट लगा देते हैं, और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 1/4 या फिर 1 इंच की दूरी पर हम कट लगा देंगे। यानी कि इसका जो शेप देना है हमें, इसे हमें स्क्वायर शेप में देना है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, ये जो दोनों कोने हैं आमने सामने के, इसे हम एक तरफ आगे की साइड से मिला देंगे, और फिर दूसरे कोनों को हम पीछे की साइड से इस तरीके से मिला देंगे। एक और करके मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से ये सामने की साइड से करेंगे, और फिर इसे पलट कर बाकी के जो दोनों कोने हैं इसे हम पीछे की साइड से इस तरीके से चिपका देंगे। तो बस सारे हम पीसेस के इस तरीके से शेप दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमने सारे पीसेस को इस तरीके से शेप दे लिया है, और ये जो किनारे वाला जो पार्ट था उस वो एक ही साइड से मुड़ा है, तो मैंने इसको एक ही साइड से मोड़ कर इसे किनारे रख लिया है। और अब चलते हैं इसे फ्राई करने। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को ध्यान रहे कि मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म तेल में इसे नहीं फ्राई करना है। और अब अपने सारे स्नैक्स को हम इसमें डाल देते हैं, और फिर मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। अब ये जो नाश्ता है हमारा बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्प हो गया है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और फिर जो बाकी के बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरीके से डालकर फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो स्नैक्स रेसिपी है आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्प होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।